फ्रेंड्स, एक ही पेज पर अगर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मशीन में अपने को सामने की ओर ही इसे रखना होगा, जो अपनी आईडी कार्ड है उसे। तो यहाँ पर रखने के बाद आप इस ढक्कन को बंद कर देंगे तो यहाँ पर आपको सारा ऑप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पर आपको यहाँ नीचे कॉपी ऑप्शन जो दिख रहा है, फोर्थ नंबर स्विच, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ लेआउट 2-in-1 कॉपी ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करके ओके नीचे एरो बटन को ऊपर नीचे करके यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो आपको काफ़ी ऑप्शन दिखेंगे। तो यहाँ लेआउट दिख रहा है आपको 2-in-1 का, तो यहाँ पर आप क्लिक करके और ऊपर नीचे करेंगे तो ये सेलेक्ट कर रहा है। सेलेक्ट अगर ओके करेंगे तो आपको अलग ऑप्शन मिलेगा, यहाँ सेलेक्ट ओके कर सकते हैं। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन आया मेरे पास 2-in-1 आईडी का, 2-in-ID ये स्क्रॉल करके आया है एरो के निशान से। तो यहाँ मैं इसे ओके पर क्लिक कर दूंगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ओके कर दूंगा मैं इसे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे हमें कुछ और शो हो रहा है मशीन पर 2-in-1 आईडी के बारे में। तो ये सेलेक्ट टेम्प्रेरी में सेलेक्ट कर रहा हूँ इसे, यानी मैं इसे फिक्स नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ एक कॉपी करने के लिए मैं इसे सेट करना चाहता हूँ। तो कॉपी 2-in-1 के लिए सेट हो चुका है और यहाँ पर मैं क्लिक का बटन दबाता हूँ तो ये मेरी कॉपिंग चालू हो चुकी है जो आप देख रहे हैं। अब नेक्स्ट पेज के लिए मुझे पूछा जा रहा है तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज यस और नो आ रहा है, नो करूँगा तो ये कॉपी कैंसिल हो जाएगी और यस करूँगा तो हाँ हो जाएगी। तो मैं यस करने से पहले अपनी कॉपी एक साइड हो चुकी है, उसे मैं पलट कर रख देता हूँ। तो इस तरह पलट कर रखने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट पेज के लिए मुझे यस पे क्लिक करना है तो मैं यस पे क्लिक कर लूँगा। मैं कॉपी पहले रख चुका हूँ, मैंने आपको बताया था। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और ये नेक्स्ट पेज रखने के बाद यहाँ पर बोल रहा है अगर आप नेक्स्ट पेज के लिए ओके बटन दबाएंगे तो आपकी अगली कॉपी हो जाएगी। तो पहले मैंने वो बटन दबाया था, मैं ओके बटन दबा रहा हूँ। ओके बटन दबाने के बाद आप देख सकते हैं ये कॉपिंग के लिए प्रोसेसिंग हो रही है। मैंने सिंगल कॉपी करी है तो 0101 लिखा हुआ है। अगर आप कॉपी की क्वांटिटी बढ़ाना चाहे तो आप वो भी बढ़ा सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ये कॉपिंग किस तरह से होगी उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये कॉपिंग होकर आ रही है, कुछ समय लग रहा है इसमें प्रोसेसिंग में। तो ये कलर कॉपी मैंने स्विच दबाया था तो ये कलर कॉपी में आएगी। अगर आप मोनो में करना चाहें तो आप ये व्हाइट वाला बटन दिख रहा है इसे दबाएंगे तो व्हाइट कॉपी आ जाएगी। मैंने ग्रीन दबाया था तो ये कलर में कॉपी मेरे पास आएगी। तो वो किस तरह आएगी मैं आपको कॉपी आने के बाद बताता हूँ। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ये देखिए हमारी कॉपी आ चुकी है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और इसी तरह जानकारी के लिए हमारे चैनल को देखते रहें।